जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। हमारे मन में एक असीम शक्तियों का साम्राज्य है, जिसे हमें न केवल तलाशना है परंतु तराशना भी है। अपने जीवन को सकारात्मकता का ऐसा ज्योतिर्पुंज बना लो कि जिसकी भी जीवन की ज्योत उजाई हुई हो उसे फिर से जगा दो। ओम शांति। मैं हृदयांका बजाज आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करते हैं इसी अपने शो में जिंदगी बने आसान। आज के इस एपिसोड में हमने फिर से इनवाइट किया है डॉक्टर आदिति सिंगल जी को। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर आदिति, जैसे कि हमने पिछली श्रृंखला में यही बात करी थी कि एग्ज़ाम से पहले एक बच्चे के लिए क्या क्या ऐसे ज़रूरी पहलू हैं जो उसको ध्यान में रखने चाहिए, स्पेशली जो प्रिपरेशन टाइम होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये भी बात करी कि स्लीपिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, लेकिन साथ में हमने ये भी जाना कि जो माइंड है, मन का सुचारू रीति, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम अपने बच्चे के मन को निरंतर पॉजिटिव उस पूरे दौरान, जब एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं और जब तक एग्ज़ाम्स चलें, और इनफैक्ट इन जनरल भी, कि मन को कैसे पॉजिटिव रखा जा सके। ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान ही, बल्कि ये एक हैबिट है पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना या नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं सब कुछ होते हुए भी हमेशा ही नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं, और कई बहुत एडवर्स कंडीशंस में भी पॉजिटिव सोच पाते हैं। तो ये भी एक स्किल है, एक हैबिट है, और हम पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचें इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि हम इनपुट कैसा देते हैं माइंड को। क्योंकि जैसे जो भी आपकी सोच है, बेसिकली आप इसको एक फिजिकल कंटेक्स्ट से ही आप कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हम अगर अपनी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में जैसा हम खाना डालेंगे उसी तरह से तो हमारी हेल्थ होगी ना। तो पॉजिटिव थॉट्स मतलब हेल्दी माइंड, नेगेटिव थॉट्स मतलब डिजीज्ड माइंड। यस, ठीक है। तो अगर हमको हेल्दी माइंड रखना है, पावरफुल माइंड रखना है, तो हमें माइंड को डाइट कैसी देनी होगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसी डाइट हम देंगे ऑटोमेटिकली मन पावरफुल हो सकता है या मन डिसएम्पावर्ड भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे ज़रूरी है, जैसे हम स्टूडेंट्स से कहते हैं अरे नहीं एग्जाम्स हैं तो क्या हुआ, स्ट्रेस मत लो। अब स्टूडेंट्स कहते हैं हम कोई जानबूझ के थोड़ी स्ट्रेसफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो अपने आप ही डर लगने लगता है। स्ट्रेस हैज़ बिकम अ नेचुरल पार्ट ऑफ वन्स एग्जिस्टेंस। यस, लगता है स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप परफॉर्म भी नहीं कर सकते, परफॉर्म भी नहीं कर सकते। कई बार पेरेंट्स बहुत जिटरी हो जाते हैं बिफोर दे, कह रहे तो आपको स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा, आपका तो कल पेपर है, आपको तो डर लगना चाहिए। मना It has just become a natural way of living. कि stress is natural. और in fact जरूरी है। हाँ, जरूरी। जरूरी। तो यहाँ पर यही हमें चेक करना है कि क्या इनपुट जा रहा है। तो माइंड के अंदर कैसे इनपुट जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स की तरफ से भी इनपुट जाता है, अरे तुम्हें स्ट्रेस ही नहीं हो रहा, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं हो रही। एक कंसर्न होना कि हमारे एग्जाम्स है और उसके लिए हमें पढ़ना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम शुरुआत ही चिंता से कर रहे हैं तो हमारा फोकस, कंसंट्रेशन कभी भी वो नहीं हो सकता जो उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने में हमें हेल्प करेगा। क्योंकि चिंता जो है, अगेन दैट लीड्स टू नेगेटिव थॉट्स। तो इसके लिए इनपुट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कई बार फ्रेंड्स के थ्रू हमें ऐसा इनपुट मिलता है, पीयर प्रेशर की वजह से ऐसा इनपुट मिलता है, टीचर्स से भी ऐसा इनपुट मिलता है, पेरेंट्स से भी ऐसा मिलता है, जो कि कई बार बच्चे के लिए डिसएम्पावरिंग होता है। जैसे इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करना, फिर पेपर बहुत डिफिकल्ट आने वाला है। पहले से इस बच्चे को डरा दिया जाता है कि देखो आपको स्ट्रेस लेना ही है क्योंकि आपको मार्क्स लाने और पेपर टफ है, एग्जाम इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि
वो टीचर्स इसलिए भी कहती हूँ, उनको पता है कि कहीं ना कहीं बच्चों में वो अनसीरियसनेस है या एटीट्यूड को लेके कुछ अनसीरियसनेस है, तो जब तक वो उसे नहीं कहेगी तो वो बच्चे पढ़ेंगे भी नहीं। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से करने से भी वही जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हम डर बिठा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको मेहनत तो करनी पड़ती है कि भाई डर बैठा हुआ है, लेकिन वो डर एक अच्छी चीज़ नहीं है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उसने तैयारी तो अच्छी कर लेगा वो इस डर से, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी देगा या नहीं देगा इसकी गारंटी नहीं है। नहीं है, क्योंकि आपने बीज तो उसमें डर का ही दे रखा है ना, तो वो परफॉर्मेंस करते टाइम आप कहते हैं कॉन्फिडेंस लेकर आओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब बीज डर का है तो पौधा सेल्फ कॉन्फिडेंस का कैसे निकलेगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, टीचर्स का अगेन इंटेंशन उनका सही होता है कि हम थोड़ा सा डरा के रखेंगे तो ये प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, लेकिन मोटिवेट करने के और तरीके भी बहुत हैं, राइट। एंड यहाँ पे जहाँ बात आई डिफ़िकल्टी की, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपस में बच्चे बात करते हैं, या बिल्कुल एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, पहला दिन एग्ज़ाम का चल रहा है, और उस टाइम थोड़ा सा माइंड पैनिकी होता है कि ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, ऑल द प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, ये ऑलमोस्ट होने वाली है, लेकिन और वो पैनिक भी मोस्टली कहाँ से होता है, कुछ तो अपने मन में चल रहा होता है, कई बार फ्रेंड्स डाल देते हैं, तूने उस बुक से रेफ़र किया, मैंने तो इस किताब से भी किया, इस किताब से भी किया, अच्छा तूने इतना कर लिया, मैंने तो किया ही नहीं, तो एकदम से वो थॉट्स जैसे इनपुट ये गया, उसने कर लिया मैंने नहीं करा, या उसने तो इतने सारे सम्स प्रैक्टिस कर लिए, या किसी ने बाय चांस व्हाट्सएप पे भेज दिया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, और वो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये चैप्टर तो मैं कर चुका था, तो अब एकदम से थॉट्स क्या क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब मेरी तैयारी नहीं है, इसका मतलब तो मैं 100% श्योर ही नहीं उस चैप्टर में से कुछ आएगा तो मैं कर ही लूँगा, तो अब फिर वो शुरू हो जाए और दो तीन कहीं से और क्वेश्चंस आ जाएँ, तो हम उसके अंदर स्टूडेंट्स लग जाते हैं। आपकी तैयारी आपके हिसाब से कंप्लीट हो गई है, बच्चे इतने सारे बच्चे हैं, कोई किसी किताब से कर रहा है कोई किसी किताब से कर रहा है, और कई बार कई बच्चे थोड़ा क्या है बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करते हैं जिनके चांसेस एग्जाम्स में आने के नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और खुद से निकल नहीं रहा है क्योंकि वो हायर लेवल का है, ग्रुप में सर्कुलेट हो जाता है, पढ़ाई नहीं है उस समय की, जो आ रहा है आप उसको पहले एक्चुअली वो इसलिए किया जा रहा है चलो अपनी तैयारी हो गई है थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लें, लेकिन लास्ट डे डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं है, इट्स नॉट द राइट टाइम, आप करिए, ये बहुत अच्छी बात है, अपने लेवल से थोड़ा हायर लेवल की प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए, वो ब्रेन प्रैक्टिस के लिए ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट दिन नहीं, वो आपके लिए डीमोटिवेशन हो सकता है अगर आपसे आंसर्स वो नहीं निकल रहे हैं तो। यू विल नॉट बिलीव, मुझे इसी बात याद आए कि जब मैं क्लास 10th में थी और अगले दिन सोशल साइंस का पेपर था, तो आई वाज थॉरो विद माय एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एक्सट्रीमली थॉरो, एंड आई वेंट टू माय फ्रेंड्स होम एंड शी वाज रेफरिंग टाटा मैकग्रॉ हिल, एक बुक है सोशल साइंस की, तो उसमें से खूब सारे क्वेश्चंस लर्न करे, कहती जब मैं ये सारे क्वेश्चंस लर्न कर लूंगी ना तब मेरी पूरी हो जाएगी। आई लुक्ड एट द बुक, और वो शाम का समय था और अगले दिन बोर्ड का पेपर, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, मैंने कहा ये तुम जो पढ़ रही हो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है इसमें से, अब वो जो बुक रीड कर रही है उसमें से क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक लर्न कर रही है, एंड आई केम बैक होम एंड आई वाज क्राइंग, मम्मी कहती क्या हुआ, मैंने कहा मम्मा वो जो बुक में से लर्न कर रही है ना मुझे उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आता, मुझे नहीं पता कि वो क्या पढ़ रही थी, आई हैव नेवर कम अक्रॉस दोज क्वेश्चंस, एंड यू विल नॉट बिलीव आई टॉप्ड इन सोशल साइंस इन माई स्कूल। तो मुझे यही बात याद आई कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और अपनी तैयारी पे, ना कि ये सोचे कि दूसरे ने क्या किया है। दूसरे बच्चे ने क्या किया, कंपेयर नहीं करना अपने आप को। पहली बात तो आपकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कहाँ से पढ़ना है, ये पहले से ही डिसाइड कर ले, लास्ट मोमेंट पे इसको उसको देख कर कन्फ्यूज ना हो, और खुद भी हम ये काम नहीं करें। आई रिमेम्बर वंस वन टीचर टोल्ड मी कि उनके अपना क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, तो बच्चे क्वेश्चंस डालते रहते हैं पूछते रहते हैं, तो वन ऑफ द स्टूडेंट ही ऑलवेज यूज टू आस्क वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि वो करता था खुद प्रैक्टिस करता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो कभी कोई ट्राई करता था या टीचर आंसर दे देती थी, लेकिन लास्ट डे वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है वो सारे में सर्कुलेट हो रहे हैं, सब बच्चे पूछ रहे हैं मैम ये कैसे होगा, वो और ग्रुप्स पे डाल रहे हैं, यदि मुझे उस बच्चे को ब्लॉक करना पड़ा, तो शी टुक दैट एक्शन सो दैट कि बाकी बच्चे पैनिक में ना आए। आजकल तो कोई भी चीज है वो इमीडिएट, चाहे वो राइट इंफॉर्मेशन है चाहे वो रॉन्ग है, डायरेक्ट इंटरनेट सबका सोर्स है, व्हाट्सएप है, एक क्लिक पे
you know, that gets viral, that whether gets, it's a question or something. और खाली वो question viral नहीं हो रहा है, उसके साथ वो tension भी viral हो रही है. Yeah, absolutely right. वो panic सारे में आप chaos create कर रहे हो, तो last moment पे जितना किया है, just be confident about that कि मेरी preparation पूरी है, revise करना उसी को revise करिए. और last moment पे school जाते time भी, जब आप exam दे रहे हैं कोई भी, चाहे competition exam दे रहे हैं, उस time अब जितनी आपने तैयारी करनी थी, आप इतने महीनों से कर रहे थे, लास्ट के फ्यू डेज तो बहुत जोरदार आपकी मेहनत चल रही थी, वो आपने कर ली. अब इस समय वो तैयारी करने का टाइम नहीं है, अब मन को तैयार करना है परफॉर्मेंस के लिए. इसके लिए मैं आपसे यहाँ पे एक बात और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आपने हमें बताया था कि हमें कुछ ईटिंग हैबिट्स में परहेज करना होता है, तो क्या कोई मन का भी परहेज है? एक परहेज तो मैंने अभी बताया. हाँ जी. कि हमें किसी भी इस तरह की बातों में नहीं आना है. दूसरी बात, मन के परहेज के लिए मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताऊंगी कि दो फ्रॉग थे और वो दो फ्रॉग एक गहरे कुएं में गिर गए, स्लिप हो गए. तब जंगल के सारे जो जानवर थे वो इकट्ठे हो जाते हैं, और क्योंकि उस गहरे कुएं में जो भी आज तक गया कोई निकल नहीं पाया, तो सबने सोचा कि ये तो अब नहीं निकल पाएंगे, अंदर ही मर जाएंगे. तो उन दोनों जो फ्रॉग्स थे वो उछलने की बहुत कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो कुआ था वो 30 फिट गहरा था. तो सभी जानवरों ने कहा कि कोशिश करना बेकार है, आज तक कोई नहीं निकला, तुम भी नहीं निकल पाओगे. तो एक मेंढक ने तो सोचा कि मैं नहीं निकल पाऊंगा, तो क्यों, मैं लास्ट में इतना अपनी मेहनत भी कर रहा हूँ और निकलना तो है नहीं. तो एक कोने में बैठ गया, भगवान को याद करता रहा. अच्छा. कि ठीक है, मेरा तो लास्ट टाइम आ गया. दूसरा फ्रॉग जो है वो कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा, और 3 दिन की लगातार कोशिश के बाद वो बाहर आ गया. और दूसरे दिन ही उसकी तो अंदर वो दम तोड़ दिया उसने. तो जब वो बाहर आ गया तो सबने उससे पूछा कि भाई हम तो तब से कह रहे थे कि कोई इससे बाहर नहीं निकल सकता, तुम पहले हो जीव जो पहली बार इस कुएं में से गिर के निकले हो. तो उन्होंने जब बोला, उसका कोई रिस्पांस नहीं था, जैसे उसने सुना ही नहीं. बाद में पता चला वो बहरा था. तो यही मन के साथ है जो हम बात कर रहे हैं, कि हम कोई ऐसा इनपुट फीड ही ना होने दें. ये परहेज रखनी है. यस. बच्चे कहेंगे, बहुत तरीके के हमारे पीयर ग्रुप में बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसा कहने वाले भी होते हैं, यार क्या करेगा पढ़ के, अभी हमारी तो सब तैयारी है. हाँ, बहुत टाइम है, ये तो इजी आता है, चल खेलने चलते हैं. खेलना अच्छी बात है, लेकिन हम ये ज़रूर ध्यान दें कि हमें अगर पढ़ाई की ज़रूरत है तो हम अपनी पढ़ाई करें. और कई बार स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं, कि खुद की तैयारी जब हो जाती है कई बार कि वो ऐसे शो करते हैं, हमने तो अभी किया नहीं है, कर लेंगे, और चल चल तू भी चल, चल मूवी देख कर आते हैं या कुछ कहीं और चलते हैं. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम किसी की बातों में ना आए, और ना हम उसमें आए कि किसी ने बहुत ज़्यादा कर लिया है, मेरा तो कुछ हुआ नहीं है. क्योंकि अगर आप इसको भी देखें, एक चिड़िया कभी चील को देख कर डिप्रेशन में नहीं आती है. कि चील कितनी ऊंची उड़ती है, मैं तो इतना नीचे उड़ती हूँ, तो वो डिप्रेशन में नहीं आती. उसको पता है वो चील की उड़ान है, ये मेरी उड़ान है, उसमें खुश रहती है. तो हमें भी अपना कंपैरिजन भी किसी से नहीं करना है. जो मैंने तैयारी करी है, आई शुड बी सेटिस्फाइड. और जब हम सेटिस्फाइड होंगे, जब नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आएंगे, तभी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी. यू विल नॉट बिलीव, जस्ट 2 months अगो देयर वाज अ स्टूडेंट कमिंग डाउन टू मी, एंड अ गुड स्टूडेंट, एवरेज अबव स्टूडेंट. मैम आपसे एक बात शेयर करनी है. मैंने कहा क्या हुआ, कि मैम मैंने ना एक यूट्यूब पर वीडियो देख ली, और उस वीडियो में था कि 1 महीने में ऐसी क्या तैयारी करें कि आप बोर्ड में 90% से ऊपर ला सकते हैं. मैंने कहा हु टोल्ड यू दैट, कि आप 1 महीने में अगर सोच रहे हैं पूरे साल का कोर्स जिसमें हर सब्जेक्ट में 2-2 किताबें हैं, आप 1 महीने में तैयारी करके 90% से ऊपर ला सकते हैं? इज इट लॉजिकल? थिंक फ्रॉम योर माइंड केयरफुली, ठंडे दिमाग से सोचो. कहते मैम बात तो सही है, लेकिन मुझे अब डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं वो वीडियो, मेरे उस वीडियो का मुझ पर इतना इम्पैक्ट है कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा, और शायद मैंने कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया है कि 1 महीने में तैयारी हो जाएगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भी एक परहेज की बात आती है जो सोशल मीडिया में हम एक्सचेंज करते हैं, कि 1 महीने में आप बोर्ड की तैयारी करेंगे और आपके 90% ऊपर आएंगे. हम तो कर ही लेंगे आखिरी महीने में, अभी से पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं. और वो बच्चा बहुत डिस्टर्ब स्टेट में था, उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो
देख भी रहा है क्या वो सही है, और सही है तो उसे स्वीकार कैसे कर लिया। एक्चुअली जो आपने कहा ना वो डिस्टर्ब स्टेज में था, तो वो पढ़ने की स्टेज में तो था ही नहीं, तो उसको कहीं ऐसा लगा कि ये वीडियो मुझे सपोर्ट कर रहा है मेरे मेंटल स्टेज, इट वाज अ कुशन फॉर द माइंड। हाँ, तो उसको ये सपोर्ट लग रहा था कि अच्छा मैं अभी नहीं कर पा रहा ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है, लास्ट के एक महीने में हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा सपोर्ट सिस्टम मुझे मिल रहा है। तो मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी कि ये तो एक हो गया कि हम क्या बाहरी रीति से परहेज कर रहे हैं, पर जैसे कि हमको नेगेटिव सोचने की इतनी आदत है जो कि नेचुरल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो वातावरण है उसमें पॉजिटिव सोच नेचुरल नहीं रह गई। डेफिनेटली नॉट। हम अपने मन को, या जो स्टूडेंट्स जो ये एग्ज़ाम का ये जो स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, मैं उनके लिए खासकर ये बात पूछना चाहूँगी कि ऐसे क्या पॉजिटिव थॉट्स स्पेसिफिकली क्रिएट करें, और वो दिन में किस तरीके से उसको प्रैक्टिस करें कि मान लीजिए कोई नेगेटिव स्टिमुलस बाहर से आए भी, वो उनके लिए पॉजिटिव थॉट एक सुरक्षा कवच बने उनके माइंड के लिए। बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे कहते हैं ना कि कोई फ्लू भी फैल रहा हो लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है उसको फ्लू नहीं कैच करता, हाँ वो सर्वाइव कर जाता है। तो उसी तरीके से नेगेटिविटी ही है आज सारे में, पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट करें, तो बात वही आती है जो आप फीड करेंगे माइंड को, माइंड वैसा ही प्रोड्यूस करेगा। राइट, इसके लिए पॉजिटिव इनपुट्स बहुत ज़रूरी हैं, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट पॉजिटिव थॉट्स। जब चारों तरफ से नेगेटिविटी आ रही है आपको कहीं से पॉजिटिविटी भी तो लेनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव बुक्स ज़रूर पढ़ें, या पॉजिटिव कुछ यूट्यूब पे भी अगर कुछ हो, लेकिन वहाँ कई बार हमें फ़िल्टर करना नहीं आता, समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, मोटिवेशनल चीज़ें भी होती हैं। नहीं तो मैं ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स को वैसे भी बुक रीडिंग अगर वो हैबिट डाल लें और अच्छी किताबों को पढ़ें, सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ें, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल एक रात में नहीं हुआ है। आप जितनी भी सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहाँ से उन्होंने शुरुआत करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई और कैसे उन्होंने वो सब ओवरकम किया, किन थॉट्स को अपने मन में रखा उन्होंने, या किन बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे हिम्मत जुटाई। ये सब बातें हमारे माइंड को एक, मैं कहूँगी, पॉजिटिव फूड प्रोवाइड करती हैं, जो जब हमारे साथ वो सिचुएशंस आएँ या सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स आएँ तो उस टाइम पर हम ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि मन में वो बातें ऑलरेडी फीड हो चुकी हैं, तो वहीं से निकलेंगे थॉट्स भी, तो इजी हो जाता है हमारे लिए वो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना। और दूसरी बात ये है कि हमें कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए। एक तो है कि इनपुट भी, और दूसरी बात क्योंकि बचपन से बाय डिफ़ॉल्ट मोड हम नेगेटिव सोच लेते हैं, ऑल दो ये रीडिंग जो है या पॉजिटिव इनपुट जो है ये हमें हेल्प करेगा, लेकिन कॉन्शियसली भी हमें एक एफर्ट लगाना पड़ेगा जब मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या कहीं से मिल रहे हैं तो उनको रिप्लेस कैसे करना है। यस, रिप्लेसमेंट इज अ चैलेंज फॉर देम, क्योंकि आज तक शायद किया नहीं है, तो ये आदत भी डालनी पड़ेगी। और जितना जितना आप फीडिंग इम्प्रूव करते जाएंगे, ये बहुत सिलेक्शन बहुत मैं ये कहूँगी ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, जहाँ आपको इतना कुछ मटेरियल हर जगह से मिल रहा है, व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट इज़ बैड फॉर मी। ये मुझे लगता है यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत मॉनिटरिंग रोल है, कि वो ये बात को रेगुलेट करें, चेक करें कि मेरा बच्चा अगर दिन के 5 घंटे पढ़ रहा है तो वो बाकी के टाइम में वो कहाँ पे इंडल्जेंट है। फ्रेंड बनके उनको सलाह भी दें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनके लिए कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ, और उनकी कंपनी पे को थोड़ा सा, जैसे जो भी उनका फ्रेंड सर्कल है घर में इनवाइट करें, और आप जो बात कहना चाहते हैं सिर्फ अपने बच्चे से नहीं उस पूरे ग्रुप से कहें, जिससे कि क्या होता है एक भी बच्चा अगर आपकी बात उसको अच्छी लगती है तो वो चांसेस होते हैं कि हाँ जब कलेक्टिवली कुछ बच्चे मिलकर करते हैं तो आपके बच्चे भी करेगा वो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। आज मैं आपसे इस एपिसोड के लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, कोई एक ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन जो बच्चे अभी से ही उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि जब तक एग्जाम आए तो उनका माइंड बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, कोई एक ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन? मैं वही बताऊँगी जो मैं अपने को हमेशा कहती हूँ, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे, I'm getting better day by day.
तो ये पॉजिटिवली हम इस बात को स्वीकार करते जाएंगे, अपने मन को बोलते जाएंगे। और दूसरी बात, आई एम यूनिक चाइल्ड ऑफ गॉड, ही इज़ ऑलवेज विथ मी। आई एम यूनिक चाइल्ड ऑफ गॉड, ही इज़ ऑलवेज विथ मी। उस परम पिता परमात्मा का साथ, मैं उसकी बहुत स्पेशल यूनिक चाइल्ड हूँ। तो ये एक जो सोच है, या ये कहना चाहिए स्वमान है, ये मेरे पॉजिटिविटी को बहुत बढ़ाए रखता है, मेरे एनर्जी लेवल को बहुत हाई रखता है। तो जो मैं अपने लिए प्रैक्टिस करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, वही मैं इस शो के थ्रू अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगी कि इसको प्रैक्टिस करके देखें, यू विल रियली फील वेरी एम्पावर्ड। डॉक्टर आदिति, आपका इस सुंदर एपिसोड के डिस्कशन के लिए जो आज हमने शेयर किया है और बहुत सारी बातें जानी हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो सुना आप सभी दर्शकों ने कि मेरा मन चाहे तो ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन ये सिर्फ निर्भर करता है इस बात पर कि क्या मैं वो उड़ान भरने के लिए राज़ी हूँ, रेडी हूँ, तभी गेट सेट और गो होगा। आज हमने ये बात भी जानी कि मुझे सिर्फ अपने आप को एक ये बात कहनी है, आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे। मैं सर्वशक्तिवान भगवान की एक ऐसी यूनिक संतान हूँ जो इस दुनिया में आई है एक ऐसा स्पेशल कार्य करने के लिए जिसकी हार कभी हो नहीं सकती। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी दर्शकों का हमारा साथ रहना बहुत अनिवार्य है। आप हमारा साथ बनाए रखिए। तब तक के लिए शुक्रिया। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487।